हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। दिस इज सुराज पंड वर्मा एंड टुडे वी डिस्कस स्टैंडर्ड लिमिट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड लिमिट होता क्या है और हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लिमिट कुछ खास नहीं है, हम लोगों ने कुछ ऐसे 10-15 लिमिट को एज्यूम कर लिया है या यूनिवर्सल मान लिया है कि इसका मान ये होता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके उसको डिस्कस करते चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट उसमें देखेंगे कि जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो होता है और साइन एक्स बाई एक्स होता है तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसका मान जो होता है 1 होता है, ये स्टैंडर्ड है। इसको जहाँ भी होगा लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो होगा और साइन एक्स एक्स डिवाइड बाई एक्स होगा तो उसको हम लोग 1 मान लेंगे। उसी तरह लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो होगा और टेन एक्स डिवाइड बाई एक्स होगा इसको भी हम लोग 1 मान लेंगे, ठीक है। इसका भी लिमिट का मान जो होता है एल जो होता है वो 1 आता है। उसी तरह लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई एक्स जो होता है ये भी 1 होता है। तो ये गिने चुने 10-15 होंगे जिसको हम लोग डायरेक्ट याद रखते हैं या इसको यूनिवर्सल मान लिया गया कि इसका मान यही होता है ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो होता है ईजी होता है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि इसका हम लोग मान निकालें तो जब आपको मैं सबसे लास्ट टॉपिक जब पढ़ाऊंगा एल हॉस्पिटल जब पढ़ाऊंगा तब आपको इसका डायरेक्ट मान इसको प्रूफ करके मैं दिखा दूंगा कि साइन एक्स बाई एक्स का भी मान 1 आता है, ठीक है। लेकिन कुछ अभी हम लोग इसलिए इसको डायरेक्ट याद कर रहे हैं ताकि अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा आपको इजी होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसी तरह एक और देख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई एक्स हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। उसी तरह एक और है, जैसे कि आप देख लीजिए कि साइन का इनवर्स हमको साइन और साइन का इनवर्स का लिमिट जो होता है 1 होता है, उसी तरह टेन और टेन का इनवर्स होता है वो भी 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह अभी दोनों को चारों को याद कर सकते हैं। उससे रिगार्डिंग अब ई के पार एक्स में आइए और एल एन एक्स में आइए और ए के पार एक्स में आइए, ठीक है। तीनों से रिगार्डिंग देख लीजिए, तो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो ई के पार एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स क्या होगा, ये भी 1 होता है, ठीक है। ये ध्यान बच्चा सबको यहाँ गलती होता है कि ई के पार एक्स प्लस 1 कर देते हैं, नहीं, ई के पार एक्स माइनस 1 होता है डिवाइड बाई एक्स होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ई के पार एक्स वाला, ठीक है। उसी तरह होता है आपका जैसे माइनस 1 के टर्म में देखना है तो हम लोग माइनस 1 के टर्म में एल एन का देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो ए के पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इसका मान होता है एल एन ए और ई के पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इसका मान होता है 1, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जब ये पावर जो होता है ए हो जाता है, मतलब कि जो कांस्टेंट टर्म के पावर जब एक्स जाता है उसका हम लोग अगर लिमिट निकालते हैं तो उसका वैल्यू होता है एल एन ए, ठीक है। उसी तरह हम लोग लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एल एन 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स जो होता है ये भी 1 होता है, ठीक है। ये सबको मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा, जब मैं आपको एल हॉस्पिटल पढ़ाऊंगा तब आपको सबका जितना भी स्टैंडर्ड लिमिट है सबको आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि देखिए इसका मान ये आ रहा है, जो कि मैं आपको पहले याद करने के लिए बोल चुका था, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लिमिट मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको थोड़ा बहुत याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में यूज होगा, आप डायरेक्ट वहाँ पर यूज कर लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह ये इन दोनों को याद कर भी सकते हैं, जैसे आप नीचे जितना को हम रेड मार्क किए हैं इन दोनों को आप मतलब इन तीनों को याद कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है मेरा मानिएगा कि आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बार 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 आपको क्वेश्चन में रिपीट होंगे तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होगी, ठीक है। तो देखते हैं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जब जीरो होता है और 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर होता है तो इसको हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि 1/2 इसका मान होता है। इसका लिमिट का मान कितना होता है 1/2, कोई याद करे चाहे नहीं इसको जरूर याद कीजिए, क्योंकि ये बहुत बार आपको क्वेश्चन में रिपीट होता रहता है, बार बार रिपीट होता रहता है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। उसी तरह जब लिमिट एक्स टेंड इन टू ए एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन होल डिवाइड बाई एक्स माइनस ए होता है तो इसका मान होता है एन ए होल पावर एन माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ए को रिप्लेस कर दे रहे हैं 1 से, ठीक है। तो जब ए को 1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा उसका मान, उसका मान हो जाएगा आपका एक्स के पावर एन ए को 1 से प्लस के 1 के पावर कुछ भी होता है तो क्या होता है 1 होता है होल डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, ठीक है। अब जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ वहाँ तो एन रखते हैं, ठीक है, एन और ए को क्या चीज़ से रिप्लेस किए, ए को रिप्लेस किए 1 से, तो हो गया 1 के पावर आपका एन माइनस 1 और 1 के पावर कुछ भी होता है तो क्या होता है 1 होता है, तो बच जाएगा आपका एन, जैसा कि मैंने आपको इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ करा दिया, ठीक है। उसी तरह एक केस और आता है ए के पावर एक्स के टर्म में, ठीक है, कि जब जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है तो क्या होता है। तो उस केस में जब ए के पावर एक्स आता है, सिर्फ ए के पावर एक्स का केस रहता है, तो अगर ए ग्रेटर देन 1 मतलब कहने करके 2 के पावर एक्स होगा तो इसका जो लिमिट होगा एक्स टेंडिंग टू अगर 2 के पावर इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट जो होगा इन्फिनिटी होगा, ओके। उसी तरह
अगर ए इक्वल टू वन होगा मतलब वन के पावर इन्फिनिटी कितना भी लार्ज नंबर होगा तो क्या होगा, वन होगा, सिंपल सी बात है। उसी तरह अगर ए लेस देन वन होगा, मान लीजिए कि ए लेस देन मतलब वन, मतलब वन बाई टू है, वन बाई टू के पावर अगर हम लोग इन्फिनिटी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जितना भी फ्रैक्शनल पार्ट का फ्रैक्शन का होता है, मतलब आपको परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है, तो मतलब कि वन बाई टू, वन बाई फोर, तो उसका अगर हम लोग स्क्वायर करते जाएँ, क्यूब करते जाएँ, तो उसका मान जो होता है धीरे धीरे घटते जाता है, मतलब वो जीरो को अप्रोच करते जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर लार्ज नंबर से इसको पावर करते हैं तो ये धीरे धीरे ये जीरो को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है, इसका मान जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर मार्कआउट कर लीजिए कि आपको किसको किसको एकदम याद ही करना है, ठीक है, मतलब आपको पता ही होना चाहिए। तो ये तो चारों आप एक दूसरे से रिलेट करके याद कर सकते हैं, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, टेन एक्स डिवाइड बाई एक्स, साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई एक्स, टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। बच्चा सबको ये डाउट होता है साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स, यहाँ पे वो लोग लगाने लगते हैं कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स, नहीं, कॉस एक्स वाला नहीं होता है, सिर्फ साइन एक्स वाला होता है, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद इसको और ए के पावर एक्स को आप इजिली याद कर सकते हैं कि ई के पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स, उसी तरह ए के पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स, जहाँ की इसका मान होता है ln है, इसको आप इन दोनों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसी तरह ln के तो पता ही, ln वन प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। उसी तरह इसको आप याद कर लीजिए, इसको आप जितना बार स्टार मार्क करना है कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, वन माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू, ठीक है। उसी तरह लिमिट एक्स एक्स टेंड इंटू एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन होल डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, इसका मान होता है एन ए एन के पावर एन, ठीक है। तो ये था आपका स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक धांसू तरीका, अगर आपको ये इतना पता है तो मैं आपको धांसू तरीका सिखाने वाला हूँ, ताकि आपको किसी भी स्टैंडर्ड लिमिट को आप दो से तीन सेकंड में याद कर लीजिएगा और दो से तीन सेकंड में उसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे वो धांसू तरीका जिससे कि आप किसी भी स्टैंडर्ड लिमिट को इजीली सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये धांसू तरीका अगर जिन्होंने लिमिट पढ़ रखा है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो ये ब्रह्मास्त्र की तरह है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वो धांसू तरीका जिससे कि आप किसी भी स्टैंडर्ड लिमिट को इजीली सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपने अभी तक जितना मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया उसमें आज तो आप देख लिए होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, या उसको मल्टीप्लिकेशन के टर्म में या डिवीजन के टर्म में अलग अलग हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो ये वो धांसू तरीका वहीं पर अप्लाई होता है जबकि प्रॉब्लम इज गिवन इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मतलब कि गुणा के टर्म में और भाग के टर्म में जब ये गिवन रहता है तब ये प्रॉब्लम बहुत ही वहीं पे यूज होता है, ठीक है। तो ये ए टेंड इनटू जीरो कहने का अर्थ है कि लिमिट, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए लिमिट एक्स टेंड इनटू जीरो है, यहाँ पे ए है तो ए हम लिख देते हैं, ठीक है, लिमिट ए टेंड इनटू जीरो है और साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स है, ओके, साइन एक्स मत कीजिए, ए लिए तो हम लोग ए करते हैं, तो साइन ए डिवाइड बाई साइन ए डिवाइड बाई ए है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो साइन ए है वो किसके टर्म है, ये डिवीजन के फॉर्म में है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ऐसे रहेगा, जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको इसका आंसर भी पता होगा कि वन होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अभी तो ये सिंपल सा सवाल था, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सा लार्ज टर्म में रहता है और ये मल्टीप्लाई के टर्म में रहता है। ये जरूरी नहीं है कि नीचे अगर ए होगा तभी ये होगा, नहीं, अगर आपको तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म पता है कि लिमिट एक्स टेंड इनटू जीरो साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स वन होता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि नीचे अगर नीचे ए भी नहीं रहेगा तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने वाला क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट जब एक्स टेंड ए टेंड इनटू जीरो होता है, अगर साइन ए रहता है मल्टीप्लाई के टर्म में या डिवाइड के टर्म में, तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं ए से, मतलब कहने का अर्थ देख लीजिए वही अप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो लिमिट ए टेंड इनटू जीरो साइन ए डिवाइड बाई ए है, तो अगर ए टेंड टू जीरो मतलब कि ये जो साइन है ये आपका जीरो का मतलब ए जीरो का मतलब अप्रोच कर रहा है, मतलब कहने का जो ये अंदर वाला टर्म है साइन ए, जो साइन ए अंदर वाला है, ये अंदर वाला, ये अगर ये आपको जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल को आप रिप्लेस कर दीजिए ए से, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आप हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं साइन ए को रिप्लेस किए ए होल डिवाइड बाई ए, क्या हो गया इसका मान वन। ऐसे भी आपको पता है कि लिमिट ए टेन जीरो साइन ए डिवाइड बाई ए क्या होता है वन, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इफ प्रॉब्लम इज गिवन इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन फॉर्म, मतलब कहने का अर्थ है कि वो गुणा के टर्म में गिवन हो या डिवीजन टर्म में गिवन हो, ठीक है, तब इसको हम डिसाइड कर सकते हैं, तब इसको हम ये जो मैं आपको धांसू तरीके बता रहा हूँ इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक मैं पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके आधारित तो आप देखिए कि ये सब अप्लाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए कि लिमिट एक्स टेंड ए टेंड इन टू जीरो साइन ए होल डिवाइड बाई ए,
इसका तो आपको डायरेक्ट आंसर पता है वन, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग कैसे यूज करेंगे, अभी हम लोग जो मैं आपको धासु तरीका बताने वाला है उससे हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको लिख देता हूँ फिर से एक बार रीराइट कर देता हूँ, हो गया ओके। तो यहाँ पे गिवन है कि लिमिट ए टेन इंटू जीरो, अगर ये कंडीशन हो लिमिट ए टेन इंटू जीरो, मतलब आप लिमिट मत लगाइए, लिमिट ए टेन मत लगाइए, आप ए टेन इंटू जीरो मतलब सिर्फ ए टेन इंटू जीरो कीजिए। कहने का अर्थ है कि जो साइन ए है उसके अंदर वाला जो ए है, अगर ये आपको जीरो को टेन कर रहा है तो आप ओवरऑल को ए से रिप्लेस कर दीजिए। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ कि अगर साइन ए है उसमें अंदर वाला जो ए है अगर ये जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये आप ओवरऑल को किससे रिप्लेस कर दीजिए, ए से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो यही सवाल हम लोग इसमें लाते हैं, उसी कंसेप्ट को हम लोग इस सवाल में यूज करते हैं। वो सवाल क्या है, लिमिट ए टेन इंटू जीरो साइन ए डिवाइड बाई ए है, तो ए अगर रखेंगे हम लोग इसमें ए टेन इंटू जीरो रखेंगे तो देखिए ए टेन इंटू जीरो रखना मतलब ए किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो मतलब ओवरऑल आप साइन ए को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। ऊपर है नीचे ए कट के क्या आ जाएगा आपका वन, देखिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में पता है, इसे भी पता चल गया इसे भी वन आ जा रहा है, ठीक है। उसी तरह सेम अप्रोच लगाएंगे हम यहाँ पे कि अगर टेन ए है तो उसमें ए जो है जीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब ए टेन ए जीरो है तो जीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब टोटल टेन ए को आप रिप्लेस कर दीजिए वन से, ए से, सॉरी ए से, ओके। तो एक एक बार मैं वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी दिखा दे रहा हूँ, टेन ए होल डिवाइड बाई ए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए टेन ए जीरो है तो ए अप्रोच कर रहा है आपको जीरो को, मतलब ये ओवरऑल को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आप ओवरऑल को टेन ए से रिप्लेस, ए से रिप्लेस कर सकते हैं, सॉरी ओवरऑल को ए से रिप्लेस कर सकते हैं। नीचे भी ए हो गया तो ए डिवाइड बाई ए क्या हो जाएगा वन। ऐसे भी हमको पता है कि स्टैंडर्ड लिमिट जो होता है टेन ए डिवाइड बाई ए क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले याद कराया कि टेन एक्स डिवाइड बाई एक्स क्या होता है, वहाँ पे ए मान लीजिए टेन ए डिवाइड बाई ए क्या हो जाएगा वन हो जाता है। उसी तरह साइन इनवर्स एक्स का डिवाइड बाई एक्स को भी आप सेम कर सकते हैं, देखिए मैंने लिखवा भी रखा है, साइन इनवर्स एक्स रखिए चाहे ए रखिए, तो यहाँ पे ए को टेंड कराइए आप जीरो को, और ए जीरो को टेंड कराए तो आप साइन इनवर्स ए को भी लिख सकते हैं ए। उसी तरह टेन इनवर्स में ए को भी, अगर ए जीरो को टेंड कराए तो टेन इनवर्स ए को भी लिख सकते हैं आप ए, ठीक है। उसी तरह एल एन, एल एन का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि मैंने आपको स्टैंडर्ड टर्म में क्या बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने बताया कि लिमिट एक्स टेन जीरो एल एन वन प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स है, तो आपको यहाँ पर मैंने याद करा दिया कि इसका मान वन होता है, ठीक है। अभी मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि ये कैसे आप, मैं जो धासु तरीका बताऊँ उसको कैसे आप इजिली इसमें इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। तो वो क्या है, एल एन वन प्लस ए, यहाँ पे ए जो है आपको, सॉरी ए जो है आपको जीरो को टेंड कर रहा है, तो आप ओवरऑल को किससे रिप्लेस कर दीजिए, ए से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। उसको मैं दिखाता हूँ कैसे, जैसे कि मैंने आपको स्टैंडर्ड टर्म में क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड लिमिट में क्या पढ़ा था कि एल एन वन प्लस ए होल डिवाइड बाई ए रहेगा तो किससे रिप्लेस हो जाएगा, वन से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा आपको धांसु तरीके में रिप्लेस करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जो ए है ये किसको अप्रोच कर रहा है, ए जीरो को अप्रोच कर रहा है ना, ए जीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि इस ओवरऑल को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आप इस ओवरऑल को रिप्लेस कर सकते हैं ए से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए डिवाइड बाई ए किस, ये क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, देखिए इस पर आप अप्लीकेबल हो रहा है। तो आपको बस धांसु तरीके पर ध्यान देना है, अगर आपको स्टैंडर्ड लिमिट याद है या नहीं याद है, ठीक है। लेकिन अगर आपको धांसु तरीका याद है तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकिएगा किसी को, ठीक है। इसलिए मैं बताया कि पहले उसको याद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जब धांसु तरीके बताऊंगा तो आपको जो स्टैंडर्ड लिमिट है उसको याद कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आपका काम बन जाएगा धांसु तरीके से, ठीक है। उसी तरह जैसे कि मैंने एक और प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कराई थी, मतलब बताया था स्टैंडर्ड लिमिट में याद कर लीजिए ताकि वो हमेशा आपको यूज होगा, देखिए वो है ये लिमिट एक्स टेन जीरो वन माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, वन बाई टू होता है, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इसको हम लोग धांसु तरीके से कैसे इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वन माइनस कॉस एक्स है, कॉस ए है, इसको जब ये कॉस ए जो ए टेंडिंग टू जीरो होगा, जैसे मैंने बताया था ए टेंडिंग टू जीरो होगा, ये ए टेंडिंग जीरो होगा, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे ए स्क्वायर बाई टू से, ठीक है। तो मैं आपको पीछे ही वाला टर्म में दिखाता हूँ, ठीक है, बार बार मैं लिख नहीं सकता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो वन माइनस कॉस एक्स, देखिए जहाँ की एक्स, देखिए कॉस एक्स को जीरो से रिप्लेस कर रहे हैं, तो देखिए जीरो से रिप्लेस किए, ठीक है। तो ये ओवरऑल को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, इस ओवरऑल को हम लोग रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर बाई टू से, ठीक है। अब देखिए अभी क्या हो जाएगा, अब इसका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बचा गया क्या, वन बाई टू, देखिए वन बाई टू का आंसर आ गया। तो आपको जरूरी नहीं कि आप स्टैंडर्ड लिमिट को ही याद कीजिए, ठीक है, आप मेरा धांसु तरीका याद कर लीजिए, वहाँ से आप डायरेक्ट किसी भी स्टैंडर्ड लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो है ना ये कामकाज धांसु तरीका, ठीक है, ऐसा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। एक टर्म और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लंबा लंबा सवाल में इसका यूज हो जाता है, वो कहाँ यूज होता है, जब एल एन का टर्म आता है, ओके।
तो देखते हैं। तो अभी तक हम लोग तो देखे थे कि 8 × 0 होता है, मतलब अंदर वाला जो 0 होता है तो क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे जब अंदर वाला 1 को 10 करेगा तो उसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे। तो सिर्फ एक ही है, एक ही याद करना है। 0 वाला तो सब स्टैंडर्ड लिमिट वाला ही था, लेकिन 1 वाला में हम लोग क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ln a, यहाँ पे अगर a जो है 10 कर रहा है 1 को, तो आप इस ओवरऑल को रिप्लेस कर दीजिए a माइनस 1 से। तो अभी आपको थोड़ा सा ये अजीब लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक इतना धांसू प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कराऊंगा जहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप वन के पार इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के पार जीरो और जीरो के पार जीरो को जब सॉल्व कीजिएगा, जब उसको ड्राइव कीजिएगा, जब उसको प्रूफ कीजिएगा, वहाँ पे देखिएगा इसका कितना ज़्यादा यूज होगा। एकदम झट से उसको आप ड्राइव कर पाइएगा, एकदम बहुत ही जल्दी उसको ड्राइव कर लीजिएगा, प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको मैं चाहता हूँ कि इसको आप 2-3 स्टार मार्क कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि जब ये अंदर वाला जब 1 को 10 करता है तो इसको रिप्लेस करते हैं a माइनस 1 से, ठीक है। मैं अच्छे से कर देता हूँ इसको। जब ये अंदर वाला 1 को रिप्लेस करता है, 1 को 10 करता है, तो ओवरऑल को ln a को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग a माइनस 1 से। तो ये था आपका ओवरऑल धांसू तरीका। अब हम इसी धांसू तरीके से यूज करके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जहाँ जहाँ स्टैंडर्ड लिमिट यूज होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको मजा आ रहा होगा, आपको ये सब ट्रिक अच्छा लग रहा होगा। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है।